नमस्ते, गुड इवनिंग। इस्तकबाल करते हैं आपका एनआरआई अफेयर्स के उस खास शानदार शो में जिसका नाम है एक स्लाइस जिंदगी। दोस्तों, जिंदगी एक ऐसा खुशरंग घर है जिसमें कई प्रकार के दरवाजे हैं, कई झरोखे हैं, और इन हर दरवाजे का एक अलग अलग ताला है जिसको हम अपने अपने अंदाज में अपनी अपनी चाबी से खोलने की कोशिश कर रहे हैं और खोल भी रहे हैं। हम किसी भी दरवाजे से अंदर एंटर हों, अंततः हमें घर के केंद्र तक ही पहुंचना है। और घर का केंद्र, घर का कोर, घर का सेंटर, आप कुछ भी समझ लें, कुछ भी नाम दे दें, मैं इसे जिंदगी के स्लाइसेस कहती हूँ। अब जिंदगी के इन स्लाइसेस में कई तरह के मजे हैं। कुछ लोग इन्हें नमकीन, कुछ लोग इन्हें कुरकुरा, कुछ खुशबूदार, कुछ मीठा लज्जतदार मानते हैं, कुछ के लिए ये बेजायका भी हो सकता है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से इस स्लाइसेस का जायका लिया है। हम उनमें से कुछ खास, कुछ खुशबूदार, कुछ महकदार, कुछ लज्जतदार जायके आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आते रहेंगे इस शो में जिसका नाम है एक स्लाइस जिंदगी। आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, सिर्फ एक शर्त है कि चाय की चुस्कियां, चाय का प्याला आपका और वो लज्जतदार स्लाइस हमारी तरफ से। तो तैयार है ना? सबसे पहला स्लाइस जो आपके सामने हम ला रहे हैं वो पेश कर रहे हैं आरिफ जकारिया। आरिफ वो नामचीन एक्टर हैं जिन्हें हिंदुस्तानी पर्दे पर अपना जौहर दिखाते दिखाते पूरे 35 साल हो गए, एक पूरी पीढ़ी। आई एम सॉरी आरिफ, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक योरसेल्फ लुक ओल्ड, बट दैट्स द फैक्ट, इजंट इट? यस। 1987 में इनका पहला सीरियल आया था, टीवी सीरियल चुनौती, जो हम सभी ने देखा, हम सभी ने सराहा है। और मेरे ख्याल से तब दो ही चैनल हुआ करते थे, दूरदर्शन और डीडी मेट्रो। और अब आई है आरिफ साहब की एक बहुत खास फिल्म अहान, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। तो इस बहुत लंबे सफर पर एक छोटी सी बातचीत करेंगे आरिफ साहब के साथ। आरिफ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले और बातें करें, सबसे पहले बिकॉज आहान की बात चली है, तो ये बताइए कि इस संवेदनशील मुद्दे पर बनी ये जो फिल्म है, इसके बारे में कुछ हम सबको, अपने दर्शकों को बताइए। आहान एक निखिल फेरवानी है डायरेक्टर मुंबई के, जिनकी पहली फिल्म है जी। और ये किसी कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू मुझे मिले कुछ वर्ष पहले और ये स्क्रिप्ट लेके आए थे। तो मुझे इसमें एक यूनिक बात ये लगी कि उन्होंने जो एक्चुअल डाउन सिंड्रोम पे कहानी बनाई थी और एक एक्चुअल एक्टर या एक लड़का जिसको डाउन सिंड्रोम है उसको ट्रेन करना शुरू किया था जी। तो उनके साथ वो वर्कशॉप्स करते थे, तो मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जी। और इसमें वो किसी एक्टर को ढूंढ नहीं रहे थे कि ये मुझे डाउन सिंड्रोम वाला रोल करवाना है इस एक्टर से या उस एक्टर से। तो उस लड़के को उन्होंने ट्रेन किया, उनके साथ वर्कशॉप्स की, उनके स्कूल गए जो स्पेशल चिल्ड्रन की स्कूल होती है, और वहां उस लड़के को तैयार किया। तो मैंने कहा ये अच्छी संधि है एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने की, जो हर आदमी ये वर्ड यूज करता है ना, रियलिस्टिक। तो ये मतलब वो रियलिज्म, एक अल्ट्रा रियलिज्म था कि जहां उसी के साथ काम करने का मौका मिला जी। फिर हमने रीडिंग्स की और वो लड़का बड़ा अच्छा अडेप्ट कर गया, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसकी पहली फिल्म थी अबूली की, तो कैमरा फ्रेंडली होना भी एक अपने आप में कला होती है जी, बिल्कुल। शूटिंग के शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट उसके बाद वो लड़का पूरा खुल गया और वो ऐसे नॉर्मल नेचुरल तरीके से कैमरा के सामने परफॉर्म करता था कि मुझे देख के हर रोज हैरानी होती थी। और लकीली फिर नेटफ्लिक्स ने ये फिल्म उठा ली और अब लोगों ने अपनी तरह से इस फिल्म की प्रशंसा की हुई है, हमको फीडबैक बड़ा पॉजिटिव मिल रहा है और अच्छा ऑनलाइन रिस्पॉन्स है लोगों का, जिन्होंने भी देखी है अच्छे मैसेज आए हैं, अच्छे ईमेल्स आए हैं। तो अच्छा लगता है, एक प्रोसेस के साथ आप जुड़े थे और उसका ये एक एक छोटी सी मंजिल जो हमने पार की या पहुंचे एक मंजिल तक, तो अच्छा लगता है। मंजिल पार करी, आपका आपका किरदार इसमें बहुत खूबसूरत है ओजी का। आप एक ओसीडी के शिकार हैं, तो आपके निजी जिंदगी में भी कुछ इस तरह का आपको है ऑब्सेशन किसी चीज को लेकर, सफाई को लेकर, या कोई और? कई तरह के होते हैं ओसीडीज लोगों को, छोटे बड़े। आप बहुत बहुत रियलिस्टिकली जुड़ पाए इस किरदार से, तो कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में?
मुझे लगता है हर आदमी ओसीडी का शिकार होता है, जो भी आदत हम अपनाते हैं जी। मैं हमेशा कहता हूँ जैसे वो सुबह उठ के एक चाय पीने की, एक सही वक्त पे चाय पीने की, चाय में चीनी कितनी डालते हैं वो भी एक आदतन तय होता है, कई सालों के बाद वो एक बड़ा नॉर्मल लगता है हमको। कुछ लोग रोज सुबह पॉटी पे बैठ के अखबार पढ़ते हैं, कुछ लोग नाश्ता एक वक्त पे करते हैं, तो ये कई आदतें ऐसी होती है जो अल्टीमेटली अगर आप उन्हें एनालाइज करें तो वो उन्हें ओसीडी का जामा पहना सकते हैं। हाँ, हर शख्स एक ऐसी आदत, एक या दो या तीन या चार आदतें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वो शायद अपने आप को ये कन्विंस करता है कि ये तो नॉर्मल है मेरी जिंदगी में, लेकिन अगर आप उसे एनालाइज करें तो वो कहीं एक माइल्ड या सेमी माइल्ड या एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ओसीडी कही जा सकती है जी। तो मुझमें भी ऐसी आई थिंक कई आदतें हैं जो कहा जा सकता है कि वो मैं ओसीडी उन 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 पर्टिकुलर आदतों की वजह से हो सकता हूं। तो मैंने वो थोड़ा सा चैनलाइज किया और एनालाइज किया कि हर आदमी के पास है। सफाई का जैसे आजकल बहुत बड़ा एक मुहिम हर जगह चल रही है बिकॉज ऑफ COVID-19, तो कई लोगों में पहले से ये थी कि यार साफ होना चाहिए, वो एक मुझे याद है हमारे फैमिली मेंबर्स थे उनको एक तरह की इस्त्री चाहिए होती है, पैंट पे एक वो यू नो सिल आ जाना बहुत जरूरी होती है, जब तक वो नहीं आती थी वो कहीं बाहर नहीं जाते थे। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें मैंने ऑब्जर्व की और अपने आप के अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से भी उसे समझने की कोशिश की है जी। तो कहीं जाकर मुझे लगा यार ये बड़ा नॉर्मल है, ये बड़ा नेचुरल है कि एक बंदे को सफाई का एक ऑब्सेशन है जी। तो थोड़ा सा उसको फिक्शन था बट मैंने कई चीज वो उस कैरेक्टर को कई तरह से अपने आप में ढाल दिया था जहां तक मुझे लगता है जी। एक ओसीडी तो हम आपका जान चुके हैं और बता सकते हैं दर्शकों को कि एक आपको बहुत ही फाइन एक्टिंग का ओसीडी है, तो आप अपने हर ये तो कर, ये तो ओसीडी इतनी जान डाल देते हैं कि आई थिंक दैट इज एन ओसीडी, यू कांट डू विदाउट इट। यू हैव प्लेड सम रियली ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स और बहुत लंबा सफर है। और सवालों पर रुख करें उससे पहले ये बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, आप एक्टर कैसे बने, क्या ऐसा वाकया हुआ जिंदगी में कि आपने सोचा क्या बचपन से आप यही चाहते थे, कुछ उस बारे में उस मुतालिक बताएं। जैसे आपने कहा ना सफर बहुत पहले का है जी। और नहीं बचपन से कभी चाहता नहीं था मैं एक्टर बनना, इनफैक्ट फैमिली में भी कोई इस तरह से एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में था नहीं, फिल्में देखते थे टेलीविजन देखते थे। ये सिग्नम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जब मैंने एडमिशन लिया तो एक पोस्टर लगा हुआ था एक्चुअली, जैसे कॉलेज के फर्स्ट मैं 11वीं में था तब जी। तो एक पोस्टर लगा था जहां लिखा था कि एक्टर्स की जरूरत है, तो मैंने ऐसी फॉर अ लाख मैंने कहा यार ड्रामेटिक सोसाइटी बड़ी एक्टिव सोसाइटी थी हमारी कॉलेज की, वहां लड़कियां बड़ी अच्छी थी, क्राउड बड़ा अच्छा था। वाकई में मैंने सोचा देखो हिंदी विंदी ठीक बोल लेता हूँ और चल के देखते हैं क्या होता है। तो एक प्ले का ऑडिशन दिया मैंने और हमारी एक डायरेक्टर थी उस वक्त रेशमा देशमुख, एक महिला थी हमारी जो थोड़ी सी सीनियर थी शायद, वो ऑडिशन ले रही थी और उसने मुझे सिलेक्ट किया। अगले दिन उनका मैसेज आया कॉलेज में मिली मुझे, कहा कि ओके यू आर यू कम फॉर द रिहर्सल, ओके वेरी गुड यार कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो मैं चला गया और वहां एक प्ले का नाम था क्यू, एक राशन की क्यू में लोग खड़े हैं, सोशल सटायर था जहां मेरे कैरेक्टर को डायलॉग नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ चीखना था मुझे एक तंजिया तौर पे। एक दूसरा पारसी कैरेक्टर था जो बहुत कुछ बोलता था बड़ी बड़ी बातें, तो जब भी उसकी एक बड़ी बात निकलती थी जो झूठ होती थी मुझे चीखना था वहां। तो ये मेरा फर्स्ट प्ले था और बड़ी मशक्कत के साथ हम लोगों ने रिहर्सल की और प्ले भी ठीक गया, तो वहां से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा जागृत हुआ। फिर मैंने सोचा खुद डायरेक्ट करना चाहिए, दूसरे एक्टर्स थे हमारा ग्रुप जैसा मैंने कहा बड़ा एक्टिव था, तो उन्होंने फिर कास्ट किया मुझे, ये 11वीं 12वीं FI BCOM SY BCOM, तो ये सिलसिला कॉलेज का बड़ा प्रोएक्टिव चलता रहा जहां हम काफी अवार्ड्स भी जीतते थे, मैंने खुद भी डायरेक्ट किए कई प्ले और कई प्रोडक्शन में फिर काम शुरू किया कॉलेज के लेवल पे ही, एक एमेच्योर लेवल पे। अच्छा। फिर मेरी मुलाकात SY BCOM में एक मैं अपने फादर के साथ एक इवेंट में गया, मतलब वो देखिए किस्मत की बात होती है, पॉइंट ये है कि भाग्य का हाथ हर एक्टर की जर्नी में बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण रहता है, मैं वही कहना चाहता हूँ। मेरे फादर हम रिहर्सल कर रहे थे, मेरे फादर ने मुझे पिकअप किया और कहा कि मुझे एक इवेंट में जाना है तुम भी चलो, तो मैंने कहा नहीं आप जाके आइए मैं गाड़ी में बैठता हूँ साथ में बांद्रा जाएंगे। तो ही सेड नो नो यू कम, नीचे बैठने की जरूरत नहीं। तो कोई एक एयरलाइन का इवेंट था वहां मैं गया और बिल्कुल मैं किसी को पहचानता नहीं था, मैंने कहा यार मेरे फादर सोशलाइज करेंगे बैठ जाऊंगा मैं थोड़ी देर के लिए। जब मैं बैठा तो मेरे बगल में एक और सज्जन बैठे हुए थे, तो उनसे बैठे बैठे ऐसी गुफ्तगू शुरू हुई, वो थे मीर मुनीर,
जिन्होंने कैंपस चुनौती और कई बड़ी बड़े शोज, बड़े विख्यात और प्रसिद्ध राइटर है अमीर मुनीर साहब, उनसे बातचीत मैंने शुरू की और पता चला वो प्लेराइट है। तो उन्होंने एक प्ले लिखा था उस वक्त जो बंबई में था, अनजान शहर, जो शफी इनामदार उसमें एक्ट करते थे, और काफी प्रसिद्ध प्ले था। मैंने पढ़ा था उसके बारे में और मैं देखना चाह रहा था, तो उन्होंने कहा, मैंने उसको अनुवाद किया है, नील साइमन का प्ले था, प्रिजनर ऑफ सेकंड एवेन्यू, उसका उन्होंने अनुवाद किया था, और पृथ्वी थिएटर पे भक्ति बर्वे और शफी इनामदार करते थे। तो मैं देखने चला गया, मुनीर साहब ने कहा नहीं आजा, पृथ्वी में शो है एक महीने बाद, तो आके देख ले। तो मैंने वो प्ले देखा और फिर मैंने कहा इसको कॉलेज में होस्ट करते हैं, एनुअल इवेंट, एक एनुअल हमारा ड्रामेटिक्स कॉम्पिटिशन होता था, तो मैं उनके पीछे पड़ गया, मुझे राइट्स दीजिए आप। तो उन्होंने कई चक्कर करवाए, राइट्स दिए नहीं मुझे, शायद उन्होंने किसी को कमिट किया था, और दो तीन महीने गुजरे, फोन पे बात होती थी, मैं उनको ऑफिस, वो उस वक्त काम करते थे मेरे कॉलेज के पास, तो वहां जाके मिलता था, बैठता था उनके साथ, चाय पीता था, उनको मैंने अपने प्रोडक्शंस के लिए इनवाइट किया। तो तीन चार महीने का एक दौर गुजरा, उन्होंने मुझे कहा कि यार एक टीवी सीरियल बन रहा है, व्हाई डोंट यू ऑडिशन फॉर इट, स्टूडेंट्स चाहिए, तो तुम तुम्हारे ड्रामेटिक क्लब को ले जाओ और जाके उनको मिलो, सी टेक योर चांसेस, दे वांट एक्चुअल स्टूडेंट्स टू प्ले स्टूडेंट्स रोल। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया राकेश चौधरी और संजीव भट्टाचार्य से, जिन्होंने अल्टीमेटली चुनौती बनाई। तो मैं चला गया, ऑडिशंस हुए, हमारी टीम को ले गया, और सिंडम में से काफी लोग का सिलेक्शन हुआ, दो तीन महीने का प्रोसेस गुजरा, और ये SY BCOM के दौरान, और फिर एक पायलट के लिए हमको फोन आया कि हाँ तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, पायलट शूट करो। उस वक्त इतनी अकल नहीं थी, पायलट क्या होता है ज्यादा जहन में नहीं था, हालांकि टीवी सीरियल देखते थे। तो चले गए, दो तीन दिन में हमने पायलट शूट किया और बात भूल गए हम लोग कि ठीक है यार शूट किया, क्या होगा देखा जाएगा। कुछ और 5-6 महीने गुजरे और फोन आया कि नहीं अप्रूव हो गया है, अब इसकी रेगुलर शूटिंग करनी है। तब भी हमने मस्ती के तौर पे लिया कि यार ठीक है कर लेंगे, एक्टिंग का वैसे ही शौक था, थिएटर करते थे, चले जाके तो कर लिया हमने शूट। उसके बाद पता चला कि सीरियल थोड़ा सा पॉपुलर हो गया और वहां से शुरुआत हुई है। एक्चुअल अगर जो शुरुआत वहां से हुई कि मैं मीर मुनीर साहब को बिल्कुल एक्सीडेंटली मेरी मुलाकात हुई और वो एक पिटारा था जो खुल गया वहां से। और क्या कमाल का खुला है पिटारा, क्योंकि वो जो आपकी चीख थी पहले सीरियल में, उसकी प्रतिध्वनि इतनी इतनी गहरी थी कि वो आज दिन तक सुनाई दे रही, बहुत कमाल का। जब आपने काम शुरू किया आरफ साहब, यू हैड स्टार्टेड विद द स्मॉल स्क्रीन, राइट? चुनौती अगर एक दर्शक की निगाह से देखें, आपने भी बताया आपने थिएटर भी किया, छोटा पर्दा पर भी बहुत काम किया, उस वक्त काम थोड़ा कम मिलता था आई बिलीव। आज के जबकि आज आप यू नो यूर वर्किंग ऑन द वेब सीरीज एंड यू नो यू हैव बीन वर्किंग ऑन सो मेनी डिफरेंट मीडियम्स, तो कुछ ये डिफरेंस के बारे में बताएंगे, कैसा क्या ये सफर रहा, कैसा लगा आपको, और क्या डिफरेंसेस हैं जो उस जमाने से इस जमाने में या उस दौर से इस दौर में आ चुके। देखिए काम उस वक्त सिर्फ दूरदर्शन ही चैनल था, डीडी मेट्रो भी आपने जो जिक्र किया बाद में आया जी, उस वक्त सिर्फ दूरदर्शन ही चैनल था और दूरदर्शन पे सारे शोज आते थे। मैं बचपन मतलब मैं कॉलेज में था तब ये हम लोग खानदान आता था उस वक्त, ऐसे सारे शोज टीवी पे आते थे, आपको याद होगा शायद अगर आपने देखे होंगे। तो काम से काम मिलता था, चुनौती पॉपुलर हुई, मैंने कर्म भूमि एक सीरियल की, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास था, वो बनारस में शूट की, पहला आउटडोर मेरा वो था, फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ। टेलीविजन पे काफी काम मुझे तकरीबन 8-9 साल तक रेगुलर मिलता रहा बिकॉज ऑफ ऑल दी शोज जो काफी पॉपुलर हुए। तो उस वक्त डीडी था, फिर धीरे धीरे 90s में शायद 91-92 में जी शुरू हुआ, तो हमने संजीव भट्टाचार्य जो चुनौती के डायरेक्टर थे उनको जी ने इनवाइट किया कि तू और एक ऐसे ही सीरियल बना, तो उन्होंने कैंपस बनाया जो 4 या 4.5 साल जी पे चलता रहा। तो हमने शुरुआत, मैं अपने आप को खुशकिस्मत इसलिए मानता हूं कि डीडी मैंने देखा है, ये प्राइवेट चैनल का पूरा आगाज देखा था और उनका उरूज भी देखा था, अब शायद थोड़ा डाउनफॉल है क्योंकि OTT आया है, वहां से फिल्मों की तरफ रुझान रहा। तो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि मैं सारे माध्यम को एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं और अभी भी कर रहा हूं, मुझे कोई परहेज नहीं है किसी माध्यम से, क्योंकि मुझे लगता है कि हर माध्यम में एक्टर को एक संधि मिलती है, उसे यूज करनी चाहिए। तो मैं अपने आप को एक्सक्लूसिव रखता नहीं हूं क्योंकि मेरी शुरुआत टीवी से हुई, तो टीवी की तरफ एक वो लॉयल्टी रहती है कि यार शुरुआत उसी माध्यम से हुई, तो ना बोलना बड़ा अटपटा सा लगता है यार, एक 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 फॉर्मेट ने आपको इतना एक ब्रेक दिया। तो सीरियल में आज भी ओपन हूं करने के लिए, लेकिन अब पेस बदल गया है, सीरियल का जो एक दायरा है, मापदंड है करने का, वो अलग बदल गया है। OTT प्लेटफॉर्म्स ने हावी हो गए हैं,
आप 8 या 10 एपिसोड की श्रृंखला आती है उसमें करना पड़ता है आपको ओटीटी पे, फिल्में अपनी जगह है ही, तो काम पहले एक्टर को एक डीडी था, अब सर्दी बढ़ गई है क्योंकि इतने सारे चैनल आए हैं और इतना सारा कंटेंट आज लोगों को चाहिए जी, तो जी। इतनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। काम अच्छा बुरा वो अपनी जगह अलग होता है, लेकिन चांसेस थोड़े से ज्यादा अब है इस दौर में, पिछले 4 या 5 साल में मुझे लगता है, बजाय पिछले 10 या 15 साल से जी। लेकिन आपका जो कंफर्ट लेवल है, बिकॉज आपने सभी मीडियम्स पे काम किया है, वो बहुत क्लियरली दर्शकों को दिखता है जब आप रोल्स को इतनी खूबसूरती से निभाते हैं, और वो कितना भी डिफिकल्ट हो, आपने बायोग्राफीज पे भी काम किया है, आपने नेगेटिव शेड्स भी दिखाए हैं, आपने ट्रांसजेंडर के रोल्स किए हैं, बहुत ही वेरिड कैरेक्टर्स आपने किए हैं, कोई ऐसा किरदार बताएंगे जो आपको जिससे आप खास लगाव महसूस करते हैं, या जो आपका पसंदीदा किरदार रहा, रोल रहा, कुछ उसके बारे में बताएं। देखिए ऐसे तो सारे किरदार जो किए हैं लगभग पसंदीदा थे, कहीं ना कहीं मैं उनसे एक उस किरदार की शख्सियत से आइडेंटिफाई करता था, तब मैंने हाँ किया है उसको। लेकिन कई किरदार है ऐसे, जैसे फिल्मों में कल्पना लाजमी ने ब्रेक दी मुझे दरमियान की, वो भी टेलीविजन सीरियल किया था उनके साथ, तो उन्होंने उस फिल्म में संधि दी दरमियान की। उसके बाद डांस लाइक अ मैन की इंग्लिश फिल्म थी वो, जिसमें भरतनाट्यम डांसर का रोल किया। फिर हाल ही में अगर अगर पीछे से सोचा जाए तो नानक शाह फकीर की, जिसमें भाई मर्दाना का रोल किया था मेन रोल। फिर एक हॉन्टेड फिल्म थी विक्रम भट्ट की, वो भी बड़ी पसंदीदा थी मेरी, उसमें मैंने विलेन का रोल किया था, 3D फिल्म थी इंडिया की फर्स्ट, उसमें मेरे ख्याल से आप गोस्ट का किरदार किया था। गोस्ट करेक्ट। तो ये एक्सपेरिमेंट करने का मैं वही चाहता था जब एक्टिंग की शुरुआत की यार, कॉलेज में करते थे तो अलग अलग किरदार करने का अगर मौका मिले तो हम अपनी किस्मत को अच्छी समझते थे। तो जहां बड़े पैमाने पे अगर आपको रोल वैसे मिलते हैं जी, तो मेरी कोशिश यही है कि करना चाहिए। जैसे आहान का रोल है, जैसे अब मैंने एक वेब शो किया कबूल है जो Z5 पे आता है, वो भी बेलग्रेड में हम शूट की दिसंबर में। मैंने एक और फिल्म अभी कंप्लीट की है मनीष गुप्ता की, वो भी एक अर्बन कॉमेडी है 420 IPC, उसमें भी अलग लुक है, एक अलग रोल है, बॉम्बे बेस्ड कॉमेडी है जो हम शूट कर चुके हैं अभी। तो ये अलग अलग रोल सारे अच्छे थे, सारे अच्छे लगते हैं, और उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्टर मुझे पसंद थे सारे जिनके साथ मैंने काम किया ना। देखो डायरेक्टर का आपके साथ तालमेल होना बहुत जरूरी होता है, जैसे मेघना के साथ राजी की, वो भी कैरेक्टर जिस तरह से उन्होंने कैरेक्टर को जिस तरह से संभाला या मुझे कहा परफॉर्म करने को, या जिस तरह से उसको एडिट करके पेश किया, वो बड़ा इम्पैक्टफुल बन गया। शूट करते वक्त शायद हाँ मुझे इतना एहसास नहीं हुआ जितना फाइनल स्क्रीन पे देख के एहसास हुआ। फिर हाँ ऐसी कई फिल्में हैं, कई रोल हैं जो चूंकि डायरेक्टर को आपके हुनर पे भरोसा था, आपकी काबिलियत पे था, आपके कॉम्पिटेंस पे भरोसा था जी, तो वो एक छाप छोड़ जाते हैं और आपको वो जर्नी अच्छी भी लगती। तो ऐसे आई थिंक हर कैरेक्टर ऐसा है। स्टेज पे जब ऑस्ट्रेलिया आए थे हम, आपने देखा हमारा प्ले गर्दिश मितारे सैफ का, उसमें भी जो रोल गुरुदत्त बेस्ड जो कैरेक्टर था मुझे बड़ा अच्छा लगता था, उसका रिहर्सल बड़ा अच्छा लगता था। गांधी का हमने प्ले शुरू किया, बदकिस्मती से आ नहीं पाए हम ऑस्ट्रेलिया, पिछले साल आना था हमको। तो ये सारे कैरेक्टर बॉलीवुड भी किया है। हाँ मर्चेंट्स ऑफ बॉलीवुड, यस हाउ कैन आई फॉरगेट, ऑस्ट्रेलिया में हम कितने बार 4 या 5 बार कर चुके हैं अगर आपने देखा हो। वो ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्शन कंपनी थी, इंग्लिश कैरेक्टर था, उसमें मैंने शुरुआत की एक अलग रोल से और 7-8 साल बाद मैं उसमें सारे किरदार करता था, सारे मेल कैरेक्टर्स मैं कर चुका हूँ। तकरीबन 1000 शो हमने किए ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब वो इतना बहुचर्चित नहीं क्योंकि इतनी उसको पब्लिसिटी यहाँ लोकल नहीं मिलती, बट वो मेरे जीवन का एक बहुत अहम एक्सपीरियंस है एज एन एक्टर, एज फॉर अ ट्रेनिंग मैनुअल फॉर एन एक्टर। हर रोज हम शो करते थे कई सिटीज में, तो तकरीबन मैंने जैसे कहा 1000 शो किए, उसमें से जैसे ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट में हमने किया था, एवरी डे हम शो करते थे, बारिंग मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, और वीकेंड्स में 2-2 शो करते, 2 बजे का शो और 6 बजे का शो। तो जो एनर्जी लगती है, जो एनर्जी आपको प्रिजर्व करनी पड़ती है, हल्के हल्के टेक्निकल एडजस्टमेंट जो एक्टर करता है या सीखता है जी, वो इन्हीं किरदारों से और इन्हीं एक्सपीरियंस से सीखने का मौका मिला है। डेफिनेटली एक्सपीरियंस तो आपके बहुत खूबसूरत रहे हैं, बहुत चैलेंजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, लेकिन जो आप इन मीडियम्स के बीच में व्हाट शुड आई से, यू ट्रांसफर फ्रॉम थिएटर टू स्मॉल स्क्रीन टू बिग स्क्रीन, यू नो
every possible medium you have tried to now web series. तो मुझे ये बताएं, जैसे आपने अभी Netflix पर आहन की है या दूसरी web series की है, तो इसमें production के point of view से मैं पूछ रही हूँ, production के point of view से, acting के point of view से, आपको अपनी कहानी में, अपने character में conceive करने में कुछ differences लाने पड़ते हैं, कुछ कुछ variations लाने पड़ते हैं बजाय बड़े पर्दे के, बजाय cinema? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. एक्टर को अपना काम तो करना ही, भले वो स्टेज हो या सीरियल हो या ओटीटी हो या फिल्म हो या लाइव परफॉर्मेंस हो, जो एक्टर को अपने काम के मार्फत करना है वो तो करना ही पड़ता है. तो ऐसा कोई उसमें एडजस्टमेंट मीडियम नहीं आपको करवाती है. वो अलग कंसिडरेशन होता है रोल की, जो एक जरूरत होती है आपको क्या करना चाहिए या क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या डायरेक्शन आपको दी गई है, उस दायरे के अंदर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. बट अदरवाइज एज अ परफॉर्मर एनी मीडियम में आपको करना तो वही है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है. अब कुछ डायरेक्टर अलग होते हैं जो बहुत गहराई से जाके परफॉर्मेंस निकालते हैं, कुछ को एक सर्टेन लेवल का ही परफॉर्मेंस चाहिए, कुछ को रियलिस्टिक चाहिए, कुछ आपके साथ वर्कशॉप करते हैं, आपको और वो कुरेद के निकालते हैं जो लिखा हुआ है राइटर ने. तो ये अलग अलग जर्नीज होती है, उसमें आपको अडेप्ट करना पड़ता है. हर एक्टर आई थिंक इस यात्रा से गुजरता ही है. तो कई बार मुश्किल होती है डायरेक्टर के शूज में खुद को उतारने की, या आप में वो हुनर है कि आप अपने हिसाब से कैरेक्टर को जी लेते हैं और डायरेक्टर आपकी नजरों से, आपके चश्मे से देखने लगता है किरदार को? अब वो, हाँ, वो दो तरफा होता है. मैंने कहा डायरेक्टर का भरोसा आप पे, आपका कॉन्फिडेंस उस रोल के मार्फत, आपका प्रोसेस, आपका वर्क एथिक, कई चीजें काउंट करती है. इट्स नॉट वन इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत चीज उसको हेल्प नहीं करती है, बड़ा कलेक्टिव प्रोसेस है जैसे आप जानते हैं. तो एक बात और कहें कि जैसे टीवी और सिनेमा में पिछले कुछ टाइम में बदलाव आया है, स्पेशली ड्यू टू कोविड सिचुएशन, एंड यू नो वी आर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स इन एवरी सेंस ऑफ इट. बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिनेमा हॉल ज्यादातर बंद रहे हैं, इस समय भारत में भी स्थिति खराब है, लोगों को बिंज वॉचिंग की हैबिट्स हैं, पीपल आर बीइंग मोर एंड मोर ऑफ कैच पोटैटोज, आई से नेटफ्लिक्स पे या किसी भी और पोडियम पे बिंज वॉचिंग करते हैं, लगातार एक के बाद एक सीरियल्स देखते हैं. आपको क्या लगता है कि इससे जो बड़ा पर्दा है, सिनेमा है, या पूरा मीडियम है, उसका फ्यूचर क्या है? व्हाट डू यू थिंक, इज इट ब्राइट, या इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है इकॉनमी को? देखो, ये बात तो सच है. आई थिंक वी आर गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन फेज. और चूंकि पर्दा अब फ्यूचर का छोटा हो गया है, सारा एंटरटेनमेंट हम स्मार्टफोन पर लेते हैं, देखते हैं जी. तो आजकल, हाँ, अपनी जैसे आपकी व्यूइंग हो या मेरी व्यूइंग, टू अ लार्ज एक्सटेंट स्मार्टफोन पे आ गई है. तो जी. थोड़ा सा अडेप्टेशन तो करना पड़ेगा. आई थिंक यू कांट ओनली से कि यार बिग स्क्रीन पे आएगा तो ही एक मार्के की चीज होती है. ये वो दौर, वो सोच इस वक्त रखना बहुत गलत है. तो थोड़ा आपको अडेप्ट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, हालात क्या है, और कोई आपके पास चारा नहीं है. क्योंकि ये अगर 6-7 महीने और चलता रहा, लोगों की थिएटर जाने की आदत कम हो जाएगी. अगर खुलेगा तो ये COVID-19 तो ऐसा है कि एनक्लोज्ड स्पेसेस में पहला प्रहार एनक्लोज स्पेसेस पे होता है. तो आई डोंट नो वेदर 100% ऑक्यूपेंसी थिएटर की कब शुरू होगी. बीच में यहाँ बंबई में शुरू हुआ था, लेकिन वो 40-50% ऑक्यूपेंसी पे था, तब भी लोग आधे जाते थे. हमारी आहान थिएटर में रिलीज हुई, हाँ, लॉकडाउन के एक हफ्ते पहले थिएटर में रिलीज हुई, लेकिन 50% कैपेसिटी पे. अब वैसे ही छोटी पिक्चर है, वैसे ही उसकी ऑडियंस लिमिटेड है, एक अलग सेंसिबिलिटी की फिल्म है, हर आदमी जाके देखेगा नहीं. अब उसमें भी अगर 50% आप करते हैं तो जाएगा कौन देखने के लिए? तो ये एक बहुत चिंतन का दौर है, मैं कहूंगा. आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि सिनेमा ही अल्टीमेट है एंटरटेनमेंट का, या फॉर्म बदल गए हैं और बदलते रहेंगे. स्मार्टफोन डिवाइस पे सारा कंटेंट आ रहा है, स्मार्टफोन डिवाइस की इकोनॉमिक्स अब बढ़ रही है, रेवेन्यू सिस्टम वहां से आना शुरू हुआ है पिक्चर्स का, इसलिए आप देखिए बड़ी बड़ी फिल्में भी वहां पहले आ रही है. तो ये चेंज है. आई डोंट नो इसका अल्टीमेट नतीजा क्या होगा, लेकिन ये ट्रांजिशन फेज जरूर है. हम उसको झुठला नहीं सकते और ना नहीं कह सकते. आपको लगता है क्या इससे परिदृश्य बदलेगा? जैसे वी यूज्ड टू एक कॉमन फिलॉसफी थी कि 100 करोड़ अगर फिल्म करती है बॉक्स ऑफिस पे, या यू नो फर्स्ट वीक में इतना होता है तो इट्स अ सुपरस्टार.
तो आपको लगता है मापदंड बदलेंगे एक्टर्स को लेकर इस तरह के? आई थिंक बदलना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा एग्जैजरेटेड फिगर था और ये फिगर ने कई लोगों के दिमाग खराब किए, फिल्म मेकिंग खराब की है, एक प्रोसेस खराब की है, मुझे लगता है एक जर्नी खराब की है कि यार वो क्या सोचते हैं कि पहले पिक्चर 100 करोड़ की होना चाहिए। अब 100 करोड़ की पिक्चर बनती, क्योंकि आप अगर फिल्म अच्छी बनाओ उसमें कमर्शियल मसाले हो तो लोग जाके देखेंगे। लेकिन मैं जैसे आप जैसे आपने कहा और मैंने भी इस बात को माना कि व्यूइंग सारी स्मार्टफोन पे आ गई है, तो लोगों के टेस्ट बहुत जल्दी बदल जाते हैं। जी। मुझे डर भी वही लगता है, आज मैंने अगर एक शो किया है 2-3 हफ्ते बाद लोगों को याद नहीं रहता, अनलेस बहुत कंटेंट उसमें मार्के का हो या बहुत हार्ड हिटिंग हो, क्योंकि दूसरे 4 शो कल सुबह उठ के आपको वही प्लेटफॉर्म ऑफर करेगा। आप नेटफ्लिक्स पे आज जैसे एक मेरी फिल्म देखिए, कल उठ के 5 कंटेंट 5 फिल्में और आपको ऑफर होती हैं शोइंग राइट नाउ, तो कहीं एक लॉन्जिविटी एक्टर की खत्म हो जाएगी, कॉन्टेंट की लॉन्जिविटी खत्म हो जाती है। आपने आपने अगर कुछ चीज अगर देखी हो 1 महीना पहले, आज आपको लगेगा उसको 10 साल हो गए क्या, क्योंकि उसके बाद इतना कुछ आ गया है, इतना कुछ आपने सरा देखा और हजम किया है ऑनलाइन पे, तो आई थिंक शेल्फ लाइफ बहुत कम हो जाती है, जो बड़ी स्कैरी है। तो उस तरह से भी स्टार सिस्टम थोड़ी सी डावाडोल हो जाएगी, क्योंकि लोगों के जहन में बात उतनी बैठेगी नहीं जितनी से 20 साल पहले बैठती थी, जब एक फिल्म आती थी फिर 3 महीने बाद एक दूसरी फिल्म आती थी। आज यहाँ OTT पे एक रिलीज होगी, अगले दिन दूसरी और चौथी पांचवी फिल्म रिलीज होती है, वर्ल्ड सिनेमा आपको मिल जाता है यहाँ। तो कंपेयर करने के लिए बहुत चीजें होती है, इसलिए मुझे लगता है वो एक सिस्टम और एक कल्चर पूरा इको कल्चर चेंज हो रहा है धीरे धीरे। एक और जो मुझे पॉजिटिव लगती है और आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि सेंसर बोर्ड का शिकंजा जो है वो थोड़ा सा हटा है, पीपल हैव मोर प्रोड्यूसर्स हैव मोर लिबर्टी टू मेक थिंग्स एंड ब्रिंग इट टू द ऑडियंस। आपका इस बारे में क्या विचार है? इज इट गुड, इज इट बैड, इज इट हार्मिंग द सोसाइटी? व्हाट काइंड ऑफ यू नो इंपैक्ट्स आर वी लुकिंग एट? आई पर्सनली डोंट बिलीव इतना सेंसरशिप होना चाहिए जितना शायद सिनेमा में यहाँ है या OTT पे भी अब शुरू हो रहा है, बिकॉज सर्टेन एजेंसीज आर मॉनिटरिंग कि आप क्या दिखा रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं, वेदर एक तरह के लोगों की आप खिल्ली उड़ा रहे हैं, एक कल्चर को का आप मजाक कर रहे हैं, एक तरह के लोगों के बारे में आप टिप्पणी कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट मेरा उसमें मानना बड़ा बेसिक है, जैसे किसी राइटर ने कहा था यू डोंट लाइक माई बुक शट इट, आपको आपको अगर हाँ उसको न जलाओ, उसको कोर्ट में क्यों लेके जा रहे, आपको अगर एक चीज एक कंटेंट पसंद नहीं आता किसी का, आप मत देखिए, आप दूसरा देखिए, उसमें आप विवाद मत क्रिएट करिए, उसमें आप कंट्रोवर्सी मत क्रिएट करिए, उसमें आप एक लीगल बैटल मत शुरू कीजिए। आपको एक चीज इंडिविजुअली पसंद नहीं आती है, ठीक है, आपका हक है आपको पसंद ना आना, कुछ और देखिए, बहुत ऑप्शन है आपके पास, मैं ये विश्वास रखता हूँ मानता हूँ। आपने विवादों की बात करी तो मुझे याद आया कि आपकी कुछ कुछ फिल्मों के साथ या कुछ यू नो सीरियल्स के साथ कुछ विवाद जुड़े, कुछ कंट्रोवर्सीज जुड़ी और आपको उनसे दो चार होना पड़ा, दैट्स सैड। बट जो लोग नहीं जानते, आरिफ जी बहुत ही काम और कंपोज्ड हैं, जितना मैं इनको जिंदगी में जान पाई हूँ, ये बहुत 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 काम एंड कंपोज्ड पर्सन है। मुझे नहीं लगता इन्हें कभी गुस्सा आता भी है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई हैवंट सीन यू एंग्री एवर। तो आप विचलित नहीं होते इनसे? डोंट यू गेट अ बिट पर्टर्ब्ड बाय व्हाट्स गोइंग ऑन? हाउ डू यू डील विद इट? व्हाट इज योर वे ऑफ व्हाट इज योर कोपिंग मैकेनिज्म इन सब चीजों से? कोपिंग इज नथिंग, आई मीन देखो एक्सपीरियंस तजुर्बा होता है वो आपको वैसे ही शांत कर देता है, क्योंकि आपने थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखा हुआ है, ये सारी विवाद जो आती है आपको पता है ये उबाल होता है, ये बाद में निकल जाने वाला है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो और कोई चारा नहीं है आपके पास एज ए ह्यूमन बींग, ऑल्सो आप कुछ और कर नहीं सकते, आपको ये संघर्ष है, यू हैव टू लिव विद दैट, यू हैव टू कोप विद इट एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट ऑल द टाइम, और कोई देयर इज नो अदर वे आउट। सो you have to balance your outlook and keep calm about these things, aur aapko ek hollowness pata chalta hai, mujhe lagta hai kafi had tak ye vivad jo hote hain ye shayad kuch political motivation hota hai, isme kisi ka niji ek fayda hota hai, to aapko wo dikh jata hai pehle, to isliye aapko react karke us ubal ko aap zyada ubal dene ki zarurat nahi hoti hai मुझे लगता है। तो ये सब चीजें आती है जाती है, ठीक है, आपको अपना काम करना है और होपफुली पीपल लाइक व्हाट यू आर डूइंग, दैट्स व्हाट रिमेंस।
people love what you're doing. That's besides the point. But it is really hard to keep calm, Arif. आप जैसा कह रहे हैं, इतना आसान हर किसी के लिए नहीं होता. आप कर पाए हैं, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस बात के लिए. मुझे एक छोटे से हल्के से विषय पर आते हैं, पूछते हैं आपकी ऑडियंस, those who love you, your fans, they would like to know how do you spend your day, especially during lockdown? आपका रूटीन कैसा रहता है? आप कैसे अपनी दिनचर्या में क्या करते हैं? पूरा हिंदुस्तान, हाँ, आई लाइक टू प्ले स्पोर्ट एंड ऑल, लेकिन अब यहाँ सब एक्टिविटी बंद हो गई है. कुछ नहीं, रूटीन कुछ नहीं होता. बड़ा दिन बहुत पहाड़ सा नजर आता है अभी. फोन वोन पे बातें होती है, ऑनलाइन आप थोड़ा सा काम करते हैं, कुछ एक स्क्रिप्ट लिखी है मैंने ऐसे ही जस्ट टू कीप माई माइंड ऑक्यूपाइड. तो इस तरह का सारा काम आदमी का रहता ही है. और व्हाट्सएप जिंदाबाद है, आपको बिजी रखता है. लेकिन मैं कॉन्शियसली थोड़ा अवेयर रहता हूँ, क्योंकि वो इतना इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो है आज के जमाने में. हर आदमी, हर आप भी महसूस कर रहे होंगे, मैं भी, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आती है और इतना सारा नुस्खे आते हैं, इतने उपचार आते हैं, इतने आपको नसीहत आती है. तो आई ट्राई एंड अवॉइड, नॉट एंटायरली. जरूरत तो है आपको, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उसके बिना रह नहीं सकते. तो दिन कट जाता है, होपफुली अब यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी हो गई है इस हफ्ते, तो आई एम होपिंग के शूट शुरू हो और बाकी एक्टिविटीज बाहर जाना शुरू हो तो अच्छा है. लेकिन वक्त कट जाता है, ऑनलाइन कंटेंट जिंदाबाद है, वो भी देखता हूँ कभी कभी, क्या क्या बनाया लोगों ने, कैसे बनाया. तो इट्स गुड. व्हाट्सएप प्रोफेसर लगे हुए हैं और उनके रहते हुए भी आपने स्क्रिप्ट लिख ली है. ये हम सब के लिए बहुत बहुत खुश होने की बात है, क्योंकि होपफुली अब हम आपको एक राइटर के रूप में भी देख पाएंगे. सो स्क्रिप्ट है आप इसका, एक वक्त था और जहन को थोड़ा सा डाइवर्ट करना था, तो मैंने किसी की शॉर्ट स्टोरी थी उसको एक्सपैंड किया ऐसे ही अपने खुद शॉप के लिए. पता नहीं बनाना नहीं बनाना, आई डोंट नो, बट एक्सपैंड करके ग्रेटिफिकेशन मिल गया जो मेरे पास पड़ी हुई है. देखते हैं क्या होता है. कितने रंग देखे हैं आपकी एक्टिंग के, तो ये देखना, देखने का इंतजार रहेगा. आरिफ, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें इतना वक्त दिया, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं. थैंक यू सो मच. You be safe in these conditions. Keep working well. Your work is like a treat to all of us. And we will look forward to seeing more and more of your work in the coming days. Thank you, and always a pleasure to talk to you. And see you soon. Thank you. See you soon. Thank you. Bye-bye.